हेलो बच्चों, टिल लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि टू पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करे तो क्या क्या होता है। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, ये सब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद चलो अब मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराता हूँ, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एक दो करा देता हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए चीजें, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, टू सप्लीमेंट्री, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4:5, देन फाइंड द एंगल्स। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका रेशियो 4:5 है तो वो एंगल फाइंड करना है। ठीक है, जब कभी भी रेशियोज गिवन होता है तो आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हम लोग क्या अज्यूम करते हैं। फिर हम लोग ऐसा मानते हैं कि लेट दी, अब सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है उसका यूज़ करने वाले हैं, एंगल्स आर 4x एंड 5x। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो बताओ क्या होगा। तो अब सप्लीमेंट्री मीन्स क्या, जो दोनों एंगल एज्यूम किया था उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो बताइए 9x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बताइए x क्या होगा, 180/9, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, x आ जाए तो एंगल्स क्या क्या होगा, एंगल्स विल बी 4 × 20 एंड 5 × 20। तो ये क्या हो गया, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सबसे हो जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड अब होमवर्क देता हूँ। तो होमवर्क आपके लिए है, इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बाय 10 डिग्री, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल। ये आप कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन, चलिए अब मैं आपको कराता हूँ। अगला सवाल है कि इन फिगर, एक फिगर है, इन फिगर ओ पी एंड ओ क्यू बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखिएगा, वो बाइसेक्ट कर रहा है, देन प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू 90 है, सब प्रूव करना है। तो अब देखिए डायग्राम कैसा है, डायग्राम कुछ ऐसा है, ए बी, इधर कहीं ओ है, ओ क्यू, ठीक है, और ओ पी, इधर कहीं पी है, ठीक है, इधर कहीं क्या है, पी है, और देखो ओ सी, इधर कहीं सी है। ये पूरी कहानी है। तो ओ पी और ओ क्यू, ये दोनों जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी ओ सी और ए ओ सी को, बी ओ सी और ए ओ सी को बाइसेक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं आप। बाइसेक्ट करने का मतलब, याद कीजिए मैंने बताया था कि दो बराबर भाग में बांटना, तो दो बराबर भाग में बांटना मीन्स ये हो गया, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर ये एंगल है सपोज, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और अगर ये पूरे एंगल की बात करें तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। अब देखो मैं कैसे नोटेशन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने दो लाइन रखा, यहाँ पे भी दो लाइन रखा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस तरह से नोटेशन करेंगे कि हम लोगों को डायग्राम देख के सब कुछ समझ में आ जाए, है कि नहीं। अब लिखेंगे क्या, और पता है ज्योमेट्री में आपको लिखना भी अच्छे से आना चाहिए कि किस प्रकार हम लोग आगे लिखेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे, तो सोल्यूशन यहाँ से आगे मैं बताता हूँ। तो पहले क्या गिवन है, एक एक करके लिखते हैं कि ओ पी इज बाइसेक्टिंग, या फिर ओ पी बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ सी, राइट। सो एंगल पी ओ सी, टेल मी एंगल पी ओ सी क्या होगा, पी ओ सी हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, राइट।
देखो बाइसेक्ट करना मतलब क्या हुआ, दो बराबर भाग में बांटना, मतलब ये एंगल बराबर है, तो मैंने इस एंगल को क्या बोल दिया, एंगल बी ओ सी का आधा है कि नहीं, इसको अपने जेब में रख लेते हैं, मीन्स इक्वेशन वन बोल दिया इसे। उसी प्रकार ऑल्सो एंगल, एंगल नहीं, दूसरा बाइसेक्ट क्या कर रहा है, ओ क्यू, ओ क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ सी। अब ओ क्यू ए ओ सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बताओ सी ओ क्यू क्या होगा, सी ओ क्यू विल बी इक्वल टू, एंगल सी ओ क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, है कि नहीं, हो जाएगा ना, ये सी ओ क्यू क्या होगा, ए ओ सी का आधा होगा। इसको भी मैंने बोल दिया इक्वेशन टू, ये इक्वेशन वन इक्वेशन टू। अब ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझेगा। अब अगर अपने को प्रूव क्या करना था, पी ओ क्यू, तो देखो हमने पी ओ सी फाइंड कर लिया, हमने पी ओ सी फाइंड कर लिया, और पी ओ सी फाइंड कर लिया, और फिर क्यू ओ सी भी फाइंड कर लिया, पी ओ सी फाइंड कर लिया, क्यू ओ सी, देखो ये पी ओ सी ये एंगल फाइंड कर लिया, क्यू ओ सी ये एंगल फाइंड कर लिया, है ना। तो बताओ पी ओ सी और क्यू ओ सी ऐड होके क्या बन रहा है, देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऐड होके फिर क्या मिल रहा है, पी ओ क्यू मिल, पी ओ क्यू बन रहा है, और अपने से पूछा भी पी ओ क्यू ही था, है कि नहीं, अपने से पूछा क्या था, पी ओ क्यू, और यहाँ भी देखो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आ चुका है। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, है ना, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो एक मिनट, हाँ अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, क्वेश्चन वन प्लस टू, टू कर देता हूँ, वन प्लस टू, तो क्या होगा, एंगल पी ओ सी प्लस एंगल सी ओ क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, है ना। अब बताओ पी ओ सी प्लस सी ओ क्यू, अभी जस्ट बताया था आपको पी ओ सी प्लस सी ओ क्यू क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू, सो एंगल पी ओ क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, हाफ कॉमन लिया, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, बी ओ सी प्लस ए ओ सी। अब आप खुद ही देखो बी ओ सी प्लस ए ओ सी क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो बी ओ सी प्लस ए ओ सी क्या होगा, बताइए आप क्या होगा, देखो अगर डायग्राम में देखो तो बी ओ सी इस, ये एंगल और ए ओ सी, देखो ये एंगल और ये एंगल ऐड होके क्या ये पूरा एंगल हो रहा है, और ये पूरा एंगल क्या है 180 डिग्री, है कि नहीं, ये पूरा एंगल क्या है 180 डिग्री, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू हाफ ऑफ ये एंगल क्या है 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना, सो हेंस यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आपको कि कैसे किस प्रकार सवाल करते हैं प्रूविंग वाले, ओके okay? अब चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ, ऐसा ही कुछ, अब थोड़ा सा सिमिलर नहीं होगा, थोड़ा अलग भी हो सकता है, आप ट्राई कीजिए। फिर से है, इन फिगर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट ओ, फाइंड द measures of angle AOC, angle DOE and angle BOF। अब देखो फिगर क्या है, फिगर बहुत सिंपल सा है, ये लाइन और ये लाइन, तीन लाइन्स है, इधर 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 इधर, O इधर है, ये 40 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये B है, ये A है, ये C है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। समझ गए सवाल, आप सब लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ओके। और चलो एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगला सवाल इन फिर से फिगर, होमवर्क है ये, ओके, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, तो आप सबको करना है ये तीन क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, एक पहले ही दिया था। इन फिगर एल इज पैरेलल टू एम, एन इज पैरेलल टू पी एंड एंगल वन इज इक्वल टू 85 डिग्री, फाइंड एंगल टू। अब देखो फिगर कैसा है, बहुत सिंपल सा फिगर है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ठीक है, ये एंगल वन है, ये एंगल थ्री है, ये एंगल टू है, और लाइंस क्या क्या है, एल एम एन पी, ओके। तो ये क्वेश्चंस होमवर्क हो गए, आप इसको कीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन होमवर्क दे दूँ क्या, चलो एक और दे देता हूँ,
ट्राई करने में क्या जाता है, जितने क्वेश्चन होंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। फिर से इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड एंगल एफ एक्स ई। ठीक है, अब फिगर कैसा है देखो, वापस से दो लाइंस है, जो मैंने पढ़ाया है मैं उस पर बेस्ड ही दे रहा हूँ आपको, ए बी सी एंड डी, ई एफ, ठीक है, और इधर कहीं ऐसे जा रहा है, ये एंगल 110 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, और ये एक्स है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस फिगर में आपको क्या चाहिए, एफ एक्स ई एंगल चाहिए, ट्राई कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल, अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके थ्योरम्स के बारे में देखते हैं, एक एक करके मैं आपको थ्योरम्स प्रूव करके भी दिखाऊंगा, है ना, और ज्योमेट्री पार्ट आपको बहुत स्ट्रांग कर लेना है, बहुत अच्छे से ज्योमेट्री पार्ट पढ़ना है, जिससे आगे कभी कुछ दिक्कत ही ना रहे। अगर ज्योमेट्री आप नहीं पढ़ोगे तो आप ये समझ लो कि आगे प्रॉब्लम होगी। आगे प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम आपको ये, चलो 9th या 10th में प्रॉब्लम होगी बहुत सारे चैप्टर में, 11th में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो डायरेक्टली बेस्ड नहीं होगा लेकिन उसमें यूज़ आएगा इन चैप्टर्स का। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं पता होगा तो तब दिक्कत हो जाएगी, तो अच्छा है कि आप अभी से ही ये चीज़ें बहुत ईजी वे में मैं बता रहा हूँ तो आप सीखते जाओ, है कि नहीं। अब ट्रायंगल की बात करें, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। अब मुझे लगता है आपने पूरा पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा है कि ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसके तीन साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर पूछा जाए तो क्या होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल होता है, मैं नाम बोलता हूँ क्या, स्केलिन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। मीन्स अगर कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ का हो, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। मैं इसको लिख भी देता हूँ, चलो, तो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ट्रायंगल्स, अब मैं अब डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी आपको ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स में पहले मैं लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, पहला स्केलिन ट्रायंगल, स्पेलिंग देखो आप, स्केलिन ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल होता है ट्रायंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल। मीन्स अगर एक ऐसा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बताता हूँ, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों का लेंथ, देखो मैं नोटेशन देखो मेरा, तीनों अलग अलग लेंथ कर दिया, इस तरह से तीनों को अलग दिखा दिया, तो तीनों अलग अलग साइड का है तो वो क्या हो गया, स्केलिन ट्रायंगल हो गया। दूसरा आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, अब ये क्या होता है, अब आइसोसेलस ट्रायंगल होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरा अलग हो, है ना, दो भुजाएं, कोई भी हो सकता था कि ये और ये इक्वल हो जाते। ओके, चलो नाम अभी नहीं देता हूं, तीसरा, तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, नाम से या इक्विलैटरल नाम सुन के आपको अच्छा लग रहा होगा कि समबाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, एसोसेलस को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और स्केलिन ट्रायंगल को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, है कि नहीं। ये ए टाइप का हो गया, ए में मैंने रखा कि साइड पे डिपेंड करता है, तो तीन टाइप के ट्रायंगल हो गए। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आपको लिखना है ये प्रॉपर तो यहाँ ए में लिख सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ओके, अभी ऐसे ही लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अगेन वी हैव थ्री टाइप्स, पहला राइट ट्रायंगल। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं, राइट ट्रायंगल बोलना सही नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि राइट ट्रायंगल बिल्कुल बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलना, राइट
एंगल ट्राइंगल बोलने की जरूरत नहीं है, अब सीधे बोल सकते हो राइट ट्राइंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। अब ये कैसा दिखता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। अब मैं यहाँ पे इन चीज़ों का डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो राइट ट्राइंगल हो गया। दूसरा अक्यूट ट्राइंगल, अक्यूट ट्राइंगल न्यूनकोण त्रिभुज मीन्स तीनों एंगल जो है इसके वह 90 से छोटा हो, तीनों एंगल क्या हो जाए 90 से छोटा हो जाए। और तीसरा टाइप क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, नाम आप जानते होंगे अधिकोण त्रिभुज, कोई भी एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो जाए तो वो ऑब्ट्यूज त्रिभुज ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सब आप लोगों को थोड़ा सा पता भी होगा, बस हम लोग रिविजन कर लेते हैं जिससे कि आगे भूले नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे हम लोग। थ्योरम्स क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मीन्स ऐसा ही चीज़ें, ऐसा स्टेटमेंट जिसको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यूज़ करते हैं और जिसे प्रूव किया जा सकता है, जिसे प्रूव किया जा सकता है उसे ही थ्योरम बोलते हैं। तो कुछ थ्योरम्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स मैं आपको बताता हूँ। पहला, ओके, थ्योरम वन, तो पहला थ्योरम यह है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो मेरे मन में एक चीज़ आ रहा है कि वापस से, मैं पहले भी मैंने ये बातें बोली है कि स्टार्टिंग में जोश में आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, मज़े से पढ़ा, बाद में धीरे धीरे ठीक है ना कोई बात नहीं करता, थोड़ा कम कर देता हूँ, आपने पढ़ाई करना कम कर दिया है ना, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, आज रहने देते हैं, ये थिंकिंग थोड़ा कम करो। डेली अगर मैंने वीडियो डाला है तो आपको चाहिए कि आप वो वीडियो देखो और एंड तक देखो, है कि नहीं। या फिर ये हो सकता है कि आप थोड़ा भगा के जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो, कई लोग ये भी करते होंगे, तो देखो उससे आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो और दिक्कत होगी आगे जाके। तो अच्छा है कि आप पूरा देख लो, सीखो, इंटरेस्टिंग लगेगा, अगर सीख जाओगे तो आगे क्वेश्चंस भी होंगे, फिर मज़ा भी आने लगेगा। और पेरेंट्स को भी चाहिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखें, बच्चों को देखने दें और सीखने दें उन लोगों को, उनसे उसका फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हर थ्योरम को मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा, हर थ्योरम को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसे प्रूव नहीं कर सकते उसे एक्सियम बोला जाता है। तो कहीं भी अगर आपको कहीं और ये बताया जाता है कि इनको प्रूव नहीं कर सकते हैं, मतलब ये तो चलो सिंपल सा थ्योरम है, आगे भी बहुत सारे थ्योरम होंगे, तो वो गलत बात है। थ्योरम मतलब ही हो गया कि उसे प्रूव किया जा सकता है। तो देखो किस प्रकार इसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, इन ट्राइंगल ABC, पहले डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हो तो फिर आपको आधा मार्क्स मिलने वाला है एग्ज़ाम में, ये चीज़ याद रखो। एक ट्राइंगल है ABC, मैंने ऐसा माना, ABC ट्राइंगल में आपको प्रूव करना है ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। अब बोलो कि सर तीनों आपने अलग कर दिया, तो इसको चलो नाम देते हैं 1, 2, 3। ठीक है, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर क्योंकि मैंने 1, 2, 3 भी लिख दिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो आगे का कहानी होगा कि हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, है ना, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ क्यों लिखता हूँ आपको समझ में आएगा, कंस्ट्रक्शन क्योंकि यहाँ पे होने वाला है, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे L जो कि पैरेलल है साइड BC के, तो मैं लिखूँगा इसको, देखो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, थ्रू A ड्रॉ अ लाइन L विच इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, तो अब देखो आगे, अब मैंने क्या बोला कि ये एंगल और ये एंगल को भी कुछ नाम दे देता हूँ, 3 तक गया तो इसको 4 बोल देता हूँ, इसको 5 बोल देता हूँ, है कि नहीं। तो BC तो उसका पार्ट है ना भाई, मैं सोच रहा था सी इधर किधर से आ गया, सी तो इधर था, तो आगे मैं लिखूँगा प्रूफ मतलब। अब कई लोग ना यहाँ पे ऐसे प्रूफ और प्रूफ में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, बोलने में कई बार गलती हो जाती है, प्रूफ और प्रूफ
अब डिफरेंस समझो, प्रूफ मतलब क्या हो गया, प्रूफ और प्रूफ दोनों सेम चीज़, पहली बात होता नहीं है। प्रूव करना मतलब आप दिखा रहे हो कि कोई चीज़ को किस प्रकार मतलब सत्य बताया जा सकता है, मीन साबित कर रहे हो आप, साबित करना होता है किसका मीनिंग, प्रूव का मीनिंग है ना। और अगर वही प्रूफ हो गया तो प्रूफ का मतलब होता है सबूत, डिफरेंस समझ रहे हैं। प्रूफ मतलब ये हम लोग जो देंगे सबूत देंगे, अब वो सबूत देंगे उसके बाद तो वो साबित होगा ना, तो लास्ट में लिखेंगे प्रूव्ड है ना, हैंस प्रूव्ड ऐसे लिखेंगे, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट मतलब साबित करें, और प्रूफ क्या हो जाता है सबूत, ठीक है। तो कई लोग इस चीज़ को भी गलत समझते हैं, गलत लिखते हैं, तो आप ऐसी ऐसी गलती नहीं करेंगे आगे। तो प्रूफ इसका मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो सिंस एल इज पैरेलल टू बी सी, राइट, एल इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल टू विल बी इक्वल टू एंगल फोर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था एक दो दिन पहले कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइन होते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल थ्री विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल फाइव, वाई, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंडरस्टूड, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो, अब क्योंकि अब खुद ही देखो कि इन दोनों को अगर अभी ऐड कर दें हम लोग, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, या फिर अपने को पूछा गया है नाउ कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री क्या होगा, इसको मैं लिखता हूँ एंगल वन, एंगल टू को क्या लिख सकता हूँ एंगल फोर, एंगल थ्री को क्या लिख सकता हूँ एंगल फाइव, लिख सकते हैं ना, इसे क्या लिख सकता हूँ एंगल फाइव, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखो, वन प्लस फोर प्लस फाइव क्या होगा, वन प्लस फोर प्लस फाइव क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, आपको एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिख रहा है, देखो देखो ध्यान से, ये देखो फाइव वन और फोर, ये तीनों मिलके क्या बन रहा है, एक पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब 180 डिग्री बन रहा है। तो फोर प्लस फाइव प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बताइए, क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? सम ऑफ एंगल्स, ये सब चीज़ें भी लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो एग्जामिनर के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना कि आपका मार्क्स को क्यों काटे एट अ पॉइंट, है ना। तो ये चीज़ें लिख दो, ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री, हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रूव्ड, मतलब साबित कर दिया हमने, है कि नहीं, मतलब साबित कर दिया हमने, समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को। तो ये मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये सब, आपको इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। तो चलिए आपको मैं एक और थ्योरम बताता हूँ, एक और थ्योरम बताता हूँ, आप एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, अगला थ्योरम है, एक मिनट, थ्योरम टू, सो दूसरा थ्योरम है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी आर ए सी बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एक मिनट, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट अ पॉइंट ओ, एट अ पॉइंट ओ देन एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो
कैसे करेंगे प्रूफ? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, इतना कुछ टफ नहीं है। तो फिर से मैं डायग्राम सबसे पहले बनाऊंगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, ओके। अब उस एबीसी ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एबीसी ट्रायंगल में क्या बोला है उसने कि बायसेक्टर्स ऑफ एंगल एसीबी एंड एबीसी। अब देखो एबीसी का बायसेक्टर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और एसीबी का बायसेक्टर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना, मीट एट पॉइंट ओ, वो दोनों ओ पे मिल रहे हैं, है कि नहीं। अगर वो सब ओ पे मिल रहा है तो इसने बोला है कि प्रूव दैट, अब चलो ये सब कुछ लिख दिया तो यहाँ लिखता हूँ टू प्रूव, या फिर उससे पहले हम लोग गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट दी बायसेक्टर्स ऑफ एंगल एबीसी, द बायसेक्टर्स ऑफ एंगल एबीसी एंड एंगल एसीबी मीट एट पॉइंट ओ, ठीक है, ऐसा गिवन है। तो टू प्रूव क्या है, अपने को प्रूव करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए। तो क्या करना है, 90 प्लस हाफ एंगल ए। तो देखो कैसे करेंगे, फिर मैं क्या लिखूंगा आप बताइए, प्रूफ मतलब सबूत। तो प्रूफ क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी वी हैव, बताओ एंगल वन, इसमें मैं इसको एंगल वन बोल देता हूँ, इसको एंगल टू बोल देता हूँ। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बी ओ सी, ध्यान से देखिए क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये सब हमने पढ़ा था, ये सब तो पढ़ा था ना कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी ओ सी, राइट, 180 माइनस एंगल बी ओ सी। फिर क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन वन, इसको अपने पास रख लेते हैं। फिर बताइए इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी को ध्यान से देखो, उसमें क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, फिर से क्योंकि वो ट्रायंगल था। अब देखो तो अब हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी को टू एंगल वन लिख दो क्या, क्योंकि ओ बी क्या था, एंगल बायसेक्टर था, किसका, एंगल बी का एंगल बायसेक्टर था ना, तो टू एंगल वन हो गया। उसी प्रकार एंगल सी को क्या लिख देंगे, टू एंगल टू, क्यों, क्योंकि वो भी एंगल बायसेक्टर था, इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। नाउ सी, अब एंगल वन टू कॉमन लेता हूँ, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए। तो टू को दूसरी तरफ भेजते हैं, अब एंगल वन प्लस एंगल टू विल बी इक्वल्स टू, टू इधर आएगा तो हाफ इंटू 180 माइनस एंगल ए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो हो चुका है, हाफ को 180 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, राइट, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस हाफ एंगल ए, डन। ये तो प्रूव करना था, ओके, ये नहीं एंगल वन प्लस, तो आपको लग रहा होगा नहीं सर ये किधर प्रूव करना है, तो मैं देखो अब बताता हूँ कि इसको मैं बोल देता हूँ, ये था इक्वेशन वन, इधर इक्वेशन वन अज्यूम किया था हम लोगों ने, अब ये जो हम लोगों ने प्रूव किया एंगल वन प्लस एंगल टू, उसे बोल देता हूँ इक्वेशन टू। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या होगा, 180, क्योंकि इधर भी 1 प्लस 2 था, इधर भी 1 प्लस 2 था, तो 180 माइनस एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए, क्यों लिख सकते हैं, तो बी ओ सी क्या हो जाएगा बताइए, 180, अब मैं एक ही बार में लिखता हूँ, 180 माइनस 90 प्लस हाफ एंगल ए, वो माइनस होता जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, सो 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, क्या यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, समझे आप ये चीज़।
तो इस प्रकार हम लोग थ्योरम्स को प्रूव करते हैं और ये थ्योरम्स को आगे हम लोग जाके और यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं और नेक्स्ट डे इससे और आगे की पढ़ाई करेंगे और भी हम लोग ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, और देखते रहिए इसी प्रकार और सीखते रहिए और होमवर्क करते रहिए। ओके, बाय।